So hello everyone, hope you're doing good. ये है मासॉन टर्निंग सीरीज का फर्स्ट वीक और आज हमने किया है बैक एक्सरसाइज। तो ये फर्स्ट वीक का फर्स्ट डे है जिसमें हमने बैक, एब्स और बाइसेप्स इसकी एक्सरसाइज की है। तो आप इस वर्कआउट सीरीज को आप देखो और इसे मेरे साथ साथ आप अपनी बॉडी को बिल्डअप करो और कमेंट में आप बताओ कि आपको कैसा लग रहा है ये सीरीज देख करके और इसमें मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ साथ में। राइट, मैं तो वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें हम न्यूट्रिशन और डाइट की बात करेंगे। सो आई विल मीट यू इन दिस वीडियो, जस्ट बी विद मी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एम्प्टी स्टमक अपना वेट चेक कर लेते हैं। इट्स कम 79.95 केजी। किसी वर्कआउट की वॉर्म से बात करनी चाहिए तो हमने यहाँ पर अपना स्ट्रेच वार्म अप किया। स्ट्रेचिंग के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपना सेट लगाया जो कि है चिनअप्स। चिनअप्स इसका हम टोटल 3 वर्क सेट लेंगे। हमारा बस ये रहेगा कि इसको सुपर मैक्स पंप। दिस इज अ वन आर्म बारबेल रोप और इसका हम 4 टोटल वर्क सेट लेंगे। और ये हर वीक में थोड़ा बढ़ता चला जाएगा। ओवरलोड प्रोग्रेसिव हम रिपीट लेंगे। तो इसका टोटल 3 वर्क सेट लगाएंगे हम और गोल हमारा रहेगा मसल्स को फुल्ली ट्रेन करना और स्ट्रेचिंग पोजीशन में रहना। हम अपने फोर्थ सेट की ओर। ये है एक बारबल हाइपर। तो इसका हम टोटल 3 वर्क सेट लेंगे। सुपर मैक्स पंप सबका यही गोल है हमारा और दीज सेट्स आर 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 पी ऑफ 8। This exercise is one of my favorite banded serves. तो इसका हम 12 का 3 सेट लगाएंगे। और एक प्रो टिप है, यहाँ पर आपको 30 degree आउट वाइडर अपने आर्म को रखना है और यूज योर अपर ट्रैप एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब बढ़ते हम अपने 7th सेट की ओर। डंबल प्रेशर कर्व, ये हमारा 10 का 4 सेट रहेगा। Okay.
एंड दिस इज़ आवर लास्ट सेट. सो हम यहाँ पर एक्चुअली मुझे हैमर कर्ल करना था बट आई हैव डन द डम्बल नॉर्मल कर्ल. ओके सो इसका भी आपको 4 सेट करना है. ओके 8 का 4 सेट करना है आपको. तो वर्कआउट हमारी यहाँ पे फिनिश हो जाती है, लेकिन एक नीचे मैंने एप्स किया था तो एप्स की वर्कआउट भी यहाँ पर आपको करना है. एप्स आपको कम से कम आपको 4 सेट लगाना है. ये जितना आपका हाई जा रहा है उसका 4 सेट. नाउ यू कैन सी द कंडीशन ऑफ माय बॉडी. तो जैसे ही मैं घर पर आया हूँ और मेरी वाइफ ने मेरे लिए ये अंडे और हमको चने और मूंग का ये क्या बोलते हैं इसको पकौड़ी बना करके ऑलिव ऑयल में भाई और मेरी बेटी मेरे साथ में. पिट्टो हाँ आप भी खा रहे होगी, आप भी खाओगी, मुझे खाने दो. तो भाई ये मेरा मील है, घर का देसी मील, साफ सुथरी देसी बॉडी बिल्डिंग करनी है तो ये आपको भाई कंज्यूम करना पड़ेगा. ओके सो भैया का नाम मुन्ना भैया है. ओके भैया का चश्मा दुकान है. भैया जगह का नाम क्या? सिविल लाइन जी. तो सिविल लाइन में मुन्ना भैया का दुकान है चश्मे का, ठीक है. और आप यहाँ पे आओ, अच्छे दाम में चश्मे लेके जाओ. सही, इम्पोर्टेड क्वालिटी के चश्मे आपको 99 रुपये में मिल जाएंगे आपको. चाचा मेरा ही डोसा बन रहा है ना, मेरा ही डोसा बना रहे हैं बिना ऑयल का. तो लास्ट टाइम मैं यहाँ पर आया था तो मैंने इडली खाया था तो बहुत ही अच्छा लगा था इसका. ये आप भी आओ ट्राई करो. ये तो आज डोसे पर मन आया है तो हम खा के देखते हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें ना बहुत हेल्दी होती है, फर्मेंटेड होती है, हेल्दी होती है, गुड कैलोरीज होती है. ओके तो चलो लेट्स एंजॉय माय फूड. मखाना बाद में डालना. हाँ तेल अपना वाला है. एक काम करो, एक ना मुझे ये मॉरिस का ये बैठ गया तो और ये अपने राजेश भाई की दुकान है ये. ओके कटारी हिल रोड में आओ, यहाँ पर जेन्युइन सामान लेकर के जाओ घर का. और भाई क्वालिटी की बात मैं क्या करूँ, देसी क्वालिटी है. आप अगर इनका तेल इस्तेमाल कर लोगे ना, सरसों तेल, पीली सरसों तेल, मज़ा आ जाएगा आपको. बेसन और हल्दी, हल्दी हम लोगों के लिए यार बहुत ज़रूरी चीज़ है, समझे. तो हल्दी जो हम सुबह सुबह गर्म पानी के साथ में लेते हैं जिससे कि हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाए. ओके इन्फ्लामेशन ना हो तो भाई हल्दी एक बार ना इनका आधा चम्मच आप लेकर के देखो, खा के देखो, सुबह सुबह पता चलेगा कि क्या जेन्युइन क्या क्वालिटी है इसकी. तो भाई सारा सामान हमने ले लिया यहाँ से. ओके राजेश भाई की दुकान है कटारी हिल रोड में. आओ ये सारे देखो मखाने वगैरह आपके दुकान से लगते हैं. ठीक है भाई 90 रुपये.